Hello guys, welcome to a new vlog. You are watching A-Man's Journey and today we are doing back. आज 190 में ही सीन डेड हो चुका है। आज जो है बहुत कम एनर्जी लग रही है, एग्जॉस्टेड हूँ। आज 190 तक ही जा पाया डेडलिफ्ट में, जबकि 205 तक मैं 2 बार मार चुका हूँ, 2 क्या 3 बार मार चुका हूँ। और अभी फिलहाल हमने जो है वो एक्सरसाइज कर ली है रोज़, और अभी यहाँ पर फेस पुल कर रहा है अंकित भाई, उसके बाद मेरी चांस आएगी। चलो भाई शुरू हो जाओ। भाई जिम में देखो मेरे को स्वेट कितना होता है, सबसे ज़्यादा स्वेट जिम में मेरे को होता है भाई। मैंने आज तक किसी को देखा इसका पसीना टपक टपक के नीचे आता रहता है। गाइज आज का वर्कआउट बहुत ही कार्डनी चल रहा है। शुरू में एनर्जी नहीं थी लेकिन अब पंप बहुत तगड़ा आ रहा है। और मेजर एक्सरसाइज हमने कर दी है सारी। अब खाली ये श्रग्स का आपको दिख रहा होगा, श्रग्स के लिए लग रहा है, श्रग्स करेंगे। पहला सेट अंकित भाई का है, उसके बाद मैं अपना मारूंगा और फिर इसके बाद मेजर एक्सरसाइज जो रहती है अभी बची हुई वो बाइसेप्स है, 2 एक्सरसाइज। उसके बाद हमारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा, फिर अपन लोग घर जाएंगे। और आज हमारे 2 एथलीट आए भी नहीं है। कल से हमारे एक एथलीट आएगा, एक एथलीट अगले हफ्ते से आएगा। एक एथलीट का बर्थडे है कल। हाँ, शौर्य भाई का बर्थडे है कल, तो भाई पार्टी लेनी है। कमेंट्स में शौर्य भाई को बर्थडे विश कर दो एडवांस में। चलो स्टार्ट करें। चलो जिम से घर वापस आ चुका हूँ। काफ़ी हेक्टिक वर्कआउट था। एक तो गर्मी भी इतनी हो रही देहरादून में कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वेट करते हो जिम में, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा करता रहता हूँ, पसीना टपका रहता है नीचे ज़मीन पर। खैर छोड़ो, घर आके सबसे पहले 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन मैंने लिए हैं और ये मैं आजकल एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। और ये खत्म होने वाला है मेरा पैकेट, अभी हफ्ते भर पहले ही लिया था। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि मैं दिन के 3.5 स्कूप में प्रोटीन पीता हूँ, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। मैं पहले वेजिटेरियन नहीं था, मैं पहले सोचता था कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊँ बिकॉज मेरे को डाइजेशन में इशूज़ होते थे नॉन वेज में। बट अभी हाल फिलहाल में लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई है, मैं काफी ज्यादा चेंजेस कर रहा हूँ अपने अंदर, और मैं अब स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट पे आ चुका हूँ। ना ही एग्स खाने हैं, ना ही चिकन खाना है, ना किसी तरीके का नॉन वेज आइटम, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट ही लूंगा मैं। और वेजिटेरियन डाइट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको प्रोटीन मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे मेरा केस है, हो सकता है आप लोग कर पाए मैनेज, मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज करेंटली मेरा वेट 100 किलो है और इस 100 किलो वेट के हिसाब से मैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहा हूँ। और इस रिकॉम्प में मेरे को चाहिए कम से कम 200 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए। अगर मैं 2 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करके चलूं, और 200 ग्राम मिनिमम है, 210, 215, 220 तक मैं जाना चाहूंगा इसमें, और आइडियल भी है मेरे लिए, ताकि मैं मैक्सिमम मसल मास होल्ड कर सकूं, फैट लूज कर सकूं और अपनी डिजायर्ड फिजिक को अचीव कर सकूं। आप बोलेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखो मैं आपको पूरे दिन का आज मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या खाता हूँ, और आप वो सब चीजें देखना मैं कितनी क्वांटिटी में खा रहा हूँ, और उन सब चीजों के बाद भी मेरी कैलोरीज पूरी नहीं हो रही है, और कैलोरीज पूरी नहीं हो रही है साथ साथ मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरा नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि मेरे को थोड़ा एफर्ट लगा के 3.5 स्कूप पीना पड़ता है प्रोटीन रोज का। एंड आई एम गोइंग ऑल इन दिस ईयर। इस साल कोई एक्सक्यूज नहीं देने भाई कि भाई साहब मेरा प्रोटीन नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास। जो पहले मैं अपने आप को बोलता था कि यार इतने भारी शरीर पे मैं अपना अपना प्रोटीन का खर्चा कैसे करूँ, सप्लीमेंट्स का कैसे करूँ, डाइट का कैसे करूँ, ज़िंदगी मेरी बहुत बिजी है, ये सब चीज़ें अब बहुत हो गई। मैंने सोच लिया भाई अब 6-7 साल आप लिफ्ट करते हो, उसके बाद भी आप ऐसे नहीं दिखते कि आप लिफ्ट करते हो, ना आपकी फिजिक में मसल है ज़्यादा ना कुछ है, तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है। तो वो शर्म मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही है और इस साल के एंड तक ऐसा ट्रांसफॉर्म करूंगा अपने आप को कि दुनिया देखेगी भाई कि हाँ नेचुरली एक बंदे ने अपना कुछ तरीके से ट्रांसफॉर्म किया बीइंग अ वेजिटेरियन। तो अगर आप लोग भी वेजिटेरियन हो, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो आज के टाइम पे, आप लोग को लग रहा है कि यार हम नहीं कर पा रहे हैं, जिम में दूसरों को देखते हो उनकी अच्छी खासी फिजिक होती है और आप खुद नहीं बना पा रहे हो उस टाइप की, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, या जो भी है, बहुत सारे रीजंस होते हैं हर किसी की जिंदगी में, घर की स्थिति भी हर किसी की सही नहीं होती है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ो। अगर आप लोग स्ट्रगल करते हो कोई बात नहीं, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, साथ साथ अगर हम कदम मिला के चलेंगे, आपका छोटा भाई होगा या बड़ा भाई होगा, हमेशा आपके भले के लिए बात करूंगा। और हाँ, अभी मैंने 54 ग्राम प्रोटीन ले चुका हूँ 2 स्कूप के अंदर। अभी फिलहाल मेरे को अंकित भाई के साथ कहीं बाहर जाना है, बाहर जाके फिर उसके बाद आके फिर मैं एक प्रॉपर मील लूंगा, क्योंकि अभी तो यार भूख नहीं लगी है। 1 hour later। तो गाइस अभी मैं बाहर गया था अंकित भाई के साथ, नंगा और खाओ भाई, बहुत ज्यादा गर्मी थी बाहर जो है, थम्स अप चार्ज पी, बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी इसलिए चार्ज पी हमने। और चार्ज पीने का सिर्फ यही रीजन था कि प्यास बुझानी थी और बहुत डिजी सा फील हो रहा था वर्कआउट के बाद, स्पेशली इतनी गर्मी में। तो फिर वो पी ली, उसमें 162 कैलोरीज के आसपास थी, काब्स ही काब्स थे, कुछ उसमें प्रोटीन है कुछ फैट नहीं। और एक चीज और, इन ट्रांसफॉर्मेशन में ये डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ चीजें चलती है कि भाई आप बाहर जाते हो आप ये सब पी लेते हो, ये भी चलेगा, इनकी कैलोरीज हम काउंट करेंगे, ट्रैक करेंगे और अपने रास्ते में रहेंगे। फिलहाल मैं एक पैकेट ये खा रहा हूँ क्योंकि तो मेरे को खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं है, अभी मेरे को नहाने जाना है। इसके बाद इस पैकेट में मेरे को 232 कैलोरीज के अराउंड मिलेगी और क्या कहते हैं प्रोटीन इसमें 9.9 ग्राम्स होगा। भाई 10 रुपए में 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, खाओ दबा के। और गाइज क्योंकि मैं आप लोगों से ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भैया बनता तो है कि मैं किस लेवल पे हूँ अभी दिखा दूँ। और हाँ, कोई अच्छी खासी फिजिक नहीं है इस समय पे, यही रीजन है कि मैं इतना सीरियसली इस चीज को सोच रहा हूँ कि भाई बहुत हुआ, अब चलो आपको फिजिक दिखाता हूँ किस तरीके की है। और भाई 6 साल की लिफ्टिंग के बाद ये हाल है। मुझको बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और कि मैं भाई किस लेवल पे हूँ इस समय। हो सकता है आप लोग भी इसी लेवल पे, हो सकता है मुझसे ऊपर के लेवल पे हो, ठीक है। तो जो भी हम जर्नी पे हैं, जिस भी जर्नी पे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। और भाई मैं भी बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा। ये जो पतले पतले हाथ ये सब आपको दिख रहे हैं, अनइवन सी बॉडी दिख रही है, इसको हम फिक्स करेंगे। गाइज मेरी दिन की पहली प्रॉपर मील आज के दिन, और दिन ऐसा नहीं होता भाई, पता नहीं क्यों जिस दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी दिन सबसे ज़्यादा आलस सा आ रहा है। तो आज आलस सा आ रहा है इसलिए घर में बना था चावल और दाल, इसको मैं मेजर करके खाया हूँ। कोई बात नहीं, 2800 कैलोरीज का गोल है, उसके अंदर ये आराम से फिट हो जाता है। ये एक मील लूँगा, अभी थोड़ा काब अप करूँगा अपने आप को, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं सीधा भाई नेक्स्ट मील में लूँगा सोया चंक्स, या फिर बीच में हो सकता है दही वगैरह भी कुछ लूँ, क्योंकि भाई प्रोटीन चाहिए अच्छा खासा, तो सोया चंक्स मैंडेटरी रहेगा, उसको खाऊंगा 100 ग्राम्स और उससे मैं आपसे बात करूंगा। बट फिलहाल अगर आप भी दाल भात खाने वाले इंसान हो भाई मेरी तरह, तो लाइक मार दो अभी के भी इस वीडियो पे। गाइज लंच हो चुका है और कॉमेडी नाइट देख रहा हूँ मैं अभी मम्मी के साथ, और अभी मम्मी ने बनाई है मेरे लिए चाय, क्योंकि भाई सुबह से चाय पीनी थी, तो लंच के बाद चाय पी रहे हैं। लंच करके जान आ गई है, बहुत शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मील पे मिलते हैं। 1 hour later। ऑलराइट गाइज, शाम के हो रहे हैं 4:20 और मेरे को लग रही है भूख। अब भूख लग रही है तो अब मेरे पास है यहाँ पर 200 ग्राम पनीर, फ्रेश एकदम मैं डेयरी से लेकर आया हूँ इसको। डेयरी से लेने का एक फायदा ये होता है कि आपको अच्छा खासा क्वालिटी का मिलता है, फ्रेश मिलता है, बहुत सॉफ्ट मिलता है और सस्ता भी मिलता है रेगुलर पैकेट से। पैकेट वाला पनीर भाई अब 90 रुपए का हो चुका है, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको खाने का, तो इसको खा रहा हूँ। काफी लोग सोचते हैं कि यार पनीर को रात को खाना चाहिए बिकॉज स्लो डाइजेस्टिंग है, हैं। मैं इन सब चीजों में उतना नहीं मानता, बिकॉज मेरे हिसाब से आप पूरे दिन में किस तरीके से खा रहे हो, कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा रहे हो, उतना आपको शरीर को मिल भी रहा है या नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है, रादर देन कि रात को केसीन खाओ और सुबह वे खाओ, ऐसा वाला नहीं। मैं तो रात को वे प्रोटीन भी पीता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ, तो नॉर्मल है भाई। ये सब थोड़े बहुत पुराने टाइप की मिथ्स हैं, आज की डेट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और पनीर को कच्चा मैं इसलिए खा रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऑयल की कैलोरी नहीं चाहिए कि मैं इसको सॉटे कर दूं ऑयल में, उसकी कैलोरीज आ जाएं। कुकिंग स्प्रे रखूं, इतना अमीर इंसान मैं हूं नहीं। ऐसी कच्चा खाना मुझको पसंद भी है, गर्मियों के मौसम में थोड़ा ठंडा ठंडा ये अच्छा भी लगता है, पका के तो उल्टा इसमें कैलोरीज और बढ़ जाएंगी, जो हम अभी अपने ट्रांसफॉर्मेशन में अफोर्ड नहीं कर सकते। शाम के बज रहे हैं 6:45 और इसी बात पे एक बात आपको बताता हूँ। वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट जब आप फैट लॉस पे हो या फिर अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, वो ये है कि आपको कुकिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन क्या सब डाल के खाना बना रहा है। जैसे मेरी मम्मी खाना बनाती है तो वो कितना तेल डाल रही है, क्या सब डाल रही है, क्या टमाटर है क्या नहीं है, वो सब भाई मेरे को नहीं पता क्या है। कभी ज्यादा तेल पड़ जाए, कभी एक्स्ट्रा घी डाल दिया जाए, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना खाना खुद से बनाऊं और आप लोग को भी यही करना चाहिए। अब हमारा टाइम हो चुका है अगली मील का। अगली मील देखो भाई हमारे पास क्या है सामने। यहाँ पर 100 ग्राम सोया चंक्स है, इसको मैंने मेजर किया था। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने प्याज टमाटर काट रखा है, 2 टेबल स्पून यहाँ पर घी है, और अब हम करेंगे स्वाहा। गाइस टाइम हो चुका है अपनी लास्ट मील ऑफ द डे का। बजने वाले हैं 10 सिर्फ 15 मिनट में, और मैं ले रहा हूँ अपनी लास्ट मील जो कि है 1.5 स्कूप वे प्रोटीन। अब इसको मैं दूध में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरे पास इतनी कैलोरीज नहीं है। इससे पहले मैंने अपना डिनर कर लिया था जैसा आपको दिखाया था, और उसके बाद मैंने 57 कैलोरीज की छाछ पी थी भाई। अमूल की जो टेट्रा पैक आती है ना 15 रुपए की, वो पी थी, थोड़ा डाइजेशन अच्छा हो, थोड़ी ठंडक पहुंचे शरीर को। और अब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ अपना प्रोटीन आज का पूरा हो चुका है 220 ग्राम। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि अनसेफ है इतना सारा प्रोटीन पीना, बट इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा, एक अलग टॉपिक वाली वीडियो है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नहीं होता अनसेफ। फिलहाल आपको जो पूरे दिन की कैलोरीज हैं, पूरे दिन के मैक्रोज हैं, वीडियो के एंड में दिख जाएंगे। उम्मीद करूंगा आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। आपको मेरी डाइट प्लान अच्छी लगी होगी या वर्कआउट अच्छा लगा होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई लव द मोस्ट, जो कि फिटनेस है। अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आप लोग भी मेरे साथ ट्रांसफॉर्म करो अपने आपको और बन जाओ मेरे साथ बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल A-Man's Journey। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग गाइस। टेक दिस स्कूप ऑफ वे एंड गो टू स्लीप।